Bismillahirrahmanirrahim. I am Nazir from the Oxford Education System, and today our lesson in class 10, physics, chapter number 10, and our topic is damp oscillation. The word damp means कम होता हुआ. कोई भी चीज है जब वो कम होती है उसको damp कहा जाता है. For example, oscillation है, vibration को कहते हैं. जब भी किसी चीज को vibrate करवाया जाता है तो शुरू में उसकी vibration ज्यादा होती है. For example, simple pendulum है. फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे वाइब्रेट करता है, लेकिन वक्त के साथ साथ हवा की जो रेजिस्टेंस है उसको कम करते करते भी लाकर उसको स्टॉप कर देती है. स्प्रिंग है, स्प्रिंग को पहले खींचे तो ज्यादा फासले तक जाता है. जब छोड़ेंगे थोड़ी देर ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा, लेकिन हवा के रेजिस्टेंस या उस सरफेस की रेजिस्टेंस जिस पे वो पड़ा हुआ है वो उसको ऐसा ऐसा कम कर देगा. तो रेजिस्टेंस होती है जो किसी भी ओसिलेशन को डंप करती है, कम करती है. तो डेफिनेशन ऑफ डंप oscillation is the oscillation of a system in the presence of some resistive force are called damp oscillation. Here force of resistance or force of friction retard the oscillation or which will move the body toward its rest position. And we can say that the vibrations with the passage of the time are कम डाउन, स्लो डाउन, स्लो डाउन, स्लो डाउन, और आखिरकार ये बिल्कुल रुक जाती है. किसी भी चीज की जो रेजिस्टेंस है उसकी हरकत को कम करती है. वी कैन सी दिस डायग्राम. शुरू में इसकी जो वाइब्रेशन है यहाँ से लेकर यहाँ तक है इसकी रूट पोजीशन है. ये वाइब्रेशन इतनी हो रही है, लेकिन जब वक्त गुजर रहा है तो अगले नमेश की वाइब्रेशन कम हो रही है, फिर अगले स्टैम में और कम हो रही है, अगले स्टैम में और कम हो रही है, अगले स्टैम में और कम हो रही है, और फिर आकर ये यहाँ भी मीन पोजीशन पे आके रुक गया. हम कह सकते हैं कि ये जो ओसिलेशन है ये वक्त के साथ साथ डैम्प हो रही है. डैम्प ओसिलेशन है जो कि रेजिस्टेंस या फ्रिक्शन की वजह से, हवा की फ्रिक्शन भी हो सकती है, अगर कोई चीज किसी सरफेस में पड़ी है उस सरफेस की फ्रिक्शन भी हो सकती है जो कि उसको ऐसा ऐसा काम कर सकती है. हमारी जिंदगी में जो गाड़ियों के ऊपर शॉक्स लगे होते हैं वो इसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है. डैम्प ओसिलेशन जब भी कोई गाड़ी सड़क पर जा रही है तो सड़क के ऊपर नीचे जंप वगैरह आते हैं, या कोई सड़क अगर खराब है उसकी वजह से गाड़ी का जो टायर है वो अनइवन जगह पे जब आता है तो गाड़ी तेजी से वाइब्रेट करने लगती है, और ये धचका ऊपर जहाँ पे हम लोग बैठे होते हैं वहां तक पहुंचते पहुंचते इसमें कुछ टाइम लगता है, और दरमियान में जो टाइम है वो इसकी ओसिलेशन को आहिस्ता आहिस्ता कम करता है, क्योंकि शॉक्स के अंदर आयल भरा होता है और आयल जो है उस गाड़ी की वाइब्रेशन से हीट पैदा होती है उसको अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है हीट एनर्जी के तौर पे, और उस झटके को हम तक पहुंचने से पहले पहले डैम्प कर देता है, कम कर देता है, और हम अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं ताकि जो झटके सड़क है वो हम तक ना हो. जो अच्छी गाड़ी है उनमें जो शॉक्स है वो बहुत अच्छे किस्म के लगे होते हैं ताकि जो गाड़ियों के झटके हैं वो ऊपर जो पैसेंजर बैठे हैं उन तक ना पहुँच सके. तो ये उसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है डैम्प ओसिलेशन की. तो डैम्प ओसिलेशन वो ओसिलेशन है जो डिस्टेंस की वजह से आहिस्ता आहिस्ता कम होते हैं. हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो वेव मोशन के बारे में. वेव मोशन को सिर्फ वेव भी कह सकते हैं, वेव भी लफ्ज़ यूज होता है और वेव मोशन भी होता है. तो वेव क्या चीज है इसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ वेव. इट इज ऑन द पेज नंबर 8. डेफिनेशन, वेव इज अ डिस्टरबेंस. वेव एक डिस्टरबेंस है किसी भी मीडियम में. इन द मीडियम, किसी भी मीडियम में जब हम कोई डिस्टरबेंस पैदा करते हैं तो हम उसको वेव कहते हैं. व्हिच कॉजेस द पार्टिकल ऑफ द मीडियम टू अंडरगो द वाइब्रेटरी मोशन अबाउट देयर मीन पोजीशन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. उससे क्या होता है कि मीडियम के जो पार्टिकल है वो ऊपर नीचे वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं उस डिस्टरबेंस की वजह से. इसके लिए हम दो एक्टिविटीज डिस्कस करेंगे. पहली एक्टिविटी जो है वो पेज नंबर 7 पर. ये जो एक्टिविटी है ये एक टब के बारे में है कि एक टब है इसमें पानी है, टब में ये टब में अगर हम पानी भरते हैं तो टब में एक पेंसिल की मदद से मुख्तलिफ, अगर हम टब में पेंसिल को ऐसे ऐसे वाइब्रेट करें तो ये यहाँ पे इस तरह वेव पैदा हो जो कि आगे आगे मूव करती है. अब अगर पेंसिल को हम जोर से मूव करेंगे तो इसमें वेव बहुत ज्यादा की शक्ल में पैदा हो रही है. जैसे एक पत्थर हम पानी में फेंकते हैं तो पत्थर जाकर अपनी जगह पे गिर जाता है और वहां हमें वेव गायरों की शक्ल में नजर आती है. अब ये वेव आगे आगे मूव कर रही है, हमने पेंसिल की मदद से इसमें ये डिस्टर्बेंस की है और इस डिस्टर्बेंस की मदद से ये वेव पैदा हुई और वेव आगे आगे मूव कर रही है.
लेकिन पानी के पार्टिकल है वो अपनी जगह पे मूव कर रहे हैं। अब पानी के पार्टिकल तो हमें नजर नहीं आ रहे, लेकिन हम उसको देखने के लिए यहां एक इतना सा एक कॉर्क रखते हैं, कॉर्क लकड़ी का बना हुआ एक कॉर्क है, हम यहां थोड़े से फासले से इसको रख देते हैं। जब वेव यहां से चलती है तो यहां पहुंचेगी, तो ये जो लकड़ी का कॉर्क है ये अपनी ही जगह पे इस तरह हिलेगा, और वो जो वेव की एनर्जी है वो यहां से यहां तक पहुंचती है, जिसकी वजह से ये जो लकड़ी का कॉर्क है ये अपनी जगह पे ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहा है। हम कह सकते हैं कि हमारे हाथ की जो एनर्जी थी वो पेंसिल की मदद से पानी में गई है, और वेव की मदद से वो एनर्जी इस कॉर्क तक पहुंची है, और ये कॉर्क अपनी जगह ऊपर नीचे हिलने लगा, थोड़ा वेव आगे मूव कर देती है और मीडियम के पार्टिकल वहीं रहते हुए ऊपर नीचे मूव करते हैं। हम कह सकते हैं कि वेव इज अ डिस्टर्बेंस जो कि हमने पेंसिल की मदद से पैदा की है, और ये डिस्टर्बेंस इस मीडियम पानी में आगे आगे मूव की है, और पानी के जो दरार हैं वो अपनी जगह ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहे हैं। दूसरी एग्जांपल हम इसकी डिस्कस करेंगे। दूसरी जो एग्जांपल है एक स्ट्रिंग के बारे में है। एक स्ट्रिंग को अगर हम एक कॉर्ड के साथ बांध दें, ये एक स्ट्रिंग है, और दूसरा जो है आपने हैंड में इसको पकड़े हैं हाथ में, तो यहाँ से अगर हम स्ट्रिंग को ऐसे थोड़ा सा मूव करते हैं ऊपर नीचे, तो स्ट्रिंग में इस तरह वेव पैदा, ये वेव इस तरह आगे आगे मूव करती हुई दिखाई दे, तो हम अपने हाथ से इसमें डिस्टर्बेंस पैदा की है इस स्ट्रिंग में, वो डिस्टर्बेंस यहाँ से होती हुई इस दूसरे सिरे तक पहुंचेगी, और जो रस्सी के पार्टिकल है वो अपनी जगह ऊपर नीचे वाइब्रेट करेंगे। उसको देखने के लिए अगर हम रस्सी के ऊपर एक पॉइंट पी लगा देते हैं, पी पॉइंट, तो ये पी पॉइंट जो है ना आपको ऊपर नीचे हरकत करता हुआ दिखाई देगा। तो हमने हाथ से इसमें एक डिस्टर्बेंस पैदा की है जिसको वेव का नाम दिया गया, और ये वेव यहाँ से आगे चलते हुए इस सिरे तक पहुंचेगी, और जो मीडियम के पार्टिकल है रस्सी के वो ऊपर नीचे हरकत करेंगे। उसको ऑब्जर्व करने के लिए आपने करंट निशान यहाँ लगाना है, जब वेव आगे मूव करेगी तो ये पार्टिकल आगे नहीं जाएंगे बल्कि अपनी ही जगह ऊपर नीचे हरकत कर सकते हैं। हम कह सकते हैं ये दोनों एग्जांपल में कि हमने अपने हाथ की मदद से जो डिस्टर्बेंस पैदा की है वो वेव की शक्ल में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गई। इसके बाद हम देखते हैं टाइप्स, टाइप्स ऑफ वेव। वेव की जो टाइप्स है वो दो किस्म की है। नंबर वन मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव। नंबर टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव द वेव विच रिक्वायर एनी मीडियम फॉर द प्रोपगेशन आर कॉल्ड द मैकेनिकल वेव। मीडियम ऐसी वेव जिनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है उनको मैकेनिकल वेव कहते हैं। जैसे प्रोपगेशन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, प्रोपगेशन मीन ट्रैवलिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। वेव एक जगह से दूसरी जगह जाती है उनको मीडियम चाहिए होता है। जैसे इस रस्सी की मिसाल ले लें, इसमें हमने हाथ से वेव पैदा की और वो रस्सी की मदद से एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंची है। इस तरह पानी वाली वेव की एग्जांपल से पहले हमने डिस्कस की है, उसमें भी जो मीडियम वाटर था वो वेव एक जगह से दूसरी जगह वाटर की मदद से पहुंची है। इस तरह हवा की मदद से हमारी आवाज की वेव भी एक जगह से दूसरी जगह जाती है। मेरी आवाज आपके कानों तक अगर आ रही है तो ये हवा के जरिए से जा रही है। इसी तरह तमाम वो वेव जिनको मीडियम चाहिए होता है एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए वो कौन सी वेव है, मैकेनिकल वेव है। इसकी बहुत सी एग्जाम्पल है, जो कि स्ट्रिंग वाली एग्जाम्पल ले रहे हैं, पानी के अंदर भी वेव पैदा हुई उसकी एग्जाम्पल ले रहे हैं, हवा में जो वेव मेरी आवाज जा रही है इसकी एग्जाम्पल ले रहे हैं। दूसरी जो टाइप है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मैकेनिकल वेव से अपोजिट है, इसके उलट इसकी डेफिनेशन है। द डेफिनेशन इज द वेव विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर द प्रोपगेशन आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ऐसी वेव जिनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, बगैर मीडियम की एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है। जैसे सूरज की रोशनी हम तक पहुंच रही है, रास्ते में स्पेस भी है खराब भी है, लेकिन इस सूरज की रोशनी हम तक बहुत तेजी के साथ चलकर हम तक पहुंचती है, और ये करोड़ों मील का फासला बगैर किसी मीडियम के तय करके आती है। सूरज की रोशनी भी और सूरज की हरारत भी हम तक पहुंचती है बगैर किसी मीडियम के। इसके अलावा हम अगर मोबाइल पर बात करते हैं तो हमारी जो आवाज है मोबाइल में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से पहले तब्दील होती है, फिर ये बगैर मीडियम के किसी भी जगह ट्रैवल कर सकती है, लाखों मील के फासले तक ट्रैवल कर सकती है। हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसी है जो बगैर मीडियम के एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैकेनिकल वेव की इसकी दो टाइप्स है, लेकिन मैकेनिकल वेव को मजीद दो हिस्सों में तकसीम किया गया।
मैकेनिकल वेव को तीन दो हिस्सों में तकसीम किया गया। मैकेनिकल वेव की जो दो टाइप्स हैं, एक का नाम है लॉन्गिट्यूडनल वेव, और जो दूसरी टाइप है उसका नाम है ट्रांसवर्स वेव, इसकी दो टाइप्स। मैकेनिकल वेव ऐसी वेव होती है जिनको कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है, दोनों में मीडियम चाहिए, इसमें भी मीडियम चाहिए और इसमें भी मीडियम चाहिए। इन दोनों में फर्क क्या है कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है इसमें जब वेव ट्रैवल कर रही है, फॉर एग्जाम्पल वेव इस तरफ को मूव कर रही है, तो इसमें जो मीडियम के पार्टिकल हैं उनकी हरकत भी इसके साथ साथ होती है अलोंग द वेव। द वेव ये डायरेक्शन ऑफ वेव है और जो पार्टिकल ऑफ मीडियम है वो भी इसके साथ लेफ्ट राइट आगे पीछे मूव करेंगे। ऐसी वेव क्या कहलाती है? लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स वेव में क्या है? अगर वेव इस तरफ को मूव कर रही है डायरेक्शन ऑफ वेव और इसके मीडियम के पार्टिकल इसके परपेंडिकुलर मूव करते हैं ऊपर नीचे, यहां पर परपेंडिकुलर का लफ्ज है और यहां पर अलोंग द वेव, कि वेव के साथ साथ जब ये मूव करेंगे उनको क्या कहेंगे? लॉन्गिट्यूडनल वेव। और जब ये वेव के परपेंडिकुलर मूव करेंगे उनको क्या कहेंगे? ट्रांसवर्स वेव। यहां पर पहले हम लॉन्गिट्यूडनल वेव को डिस्कस करते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है। लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो हियर इज द एग्जांपल ऑफ स्प्रिंग, दिस इज अ स्पोर्ट एंड दिस इज अ स्प्रिंग, लूप्स ऑफ स्प्रिंग, दी आर लूप्स ऑफ स्प्रिंग और दिस इज आवर हैंड। अब हमें स्प्रिंग को अपने हाथ में पकड़ना है और अपने हाथ को आगे पीछे इस तरह स्प्रिंग को इस तरह खेलना है, अपने हाथ की जो डायरेक्शन है स्प्रिंग के लेंथ के साथ रखनी है। जब हम इसको ऐसे खींचेंगे, ऐसे छोड़ेंगे, ऐसे खींचेंगे, ऐसे छोड़ेंगे, तो कहीं से स्प्रिंग बड़ा करीब की आ जाएगा और कहीं से स्प्रिंग तरह खुल जाएगा। जस्ट लाइक दिस फॉर एग्जांपल, यहां स्प्रिंग के जो लूप्स हैं वो खुले हैं लेकिन यहां पे क्या है? करीब की बात। फिर यहां पे क्या है? खुल गए। फिर यहां पे क्या है? करीब की बात। जब हम इस तरह बार-बार मूव करेंगे तो कहीं से स्प्रिंग जो है ना वो दब जाएगा और कहीं से क्या है खुल जाएगा। जो दबा हुआ हिस्सा है ना इसको कहते हैं कंप्रेशन, जहां स्प्रिंग के जो लूप्स हैं बड़े करीब करीब आ गए और जहां ये खुल गए उसको कहते हैं रेयरफैक्शन, कि वो इससे जहां स्प्रिंग के लूप्स काफी फासले पे हैं वो रेयरफैक्शन है और जहां करीब करीब आ गए हैं वो क्या है? कंप्रेशन है। इस वेव में कंप्रेशन और रेयरफैक्शन पैदा होंगे और ये वेव के साथ साथ मूव करेंगे आगे। इसमें जो पार्टिकल्स हैं उनकी जो मोशन की डायरेक्शन है अलोंग द वेव है, इधर को वेव जा रही है और पार्टिकल भी इधर इधर ही मूव कर रहे हैं, इसलिए इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है। कंप्रेशन और रेयरफैक्शन, एक कंप्रेशन एक रेयरफैक्शन, आगे फिर हमारे पास कंप्रेशन भी आ जाएगा। एक कंप्रेशन से अगले जो कंप्रेशन, ये कंप्रेशन का सेंटर आ गया और ये भी कंप्रेशन का सेंटर आ गया, इनके जो दरमियान फासला है इसको कहते हैं वेव लेंथ। एक वेव की जो लेंथ है वो एक कंप्रेशन से अगले कंप्रेशन तक है। वेव लेंथ इज डिफाइंड एज डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन, एक कंप्रेशन से अगले कंप्रेशन तक का फासला क्या कहलाता है? वेव लेंथ। और इसको लैम्डा के वर्ड से डिनोट करते हैं, लैम्डा, दिस इज रेड एज लैम्डा और वेव लेंथ इज नोटेड बाय लैम्डा। दिस इज द एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। Now we will discuss the other example, that is transverse wave. Transverse wave के लिए एक स्पोर्ट है, इसके साथ जो स्प्रिंग है वो इस तरह से है, ये इसकी मीन पोजीशन है। अगर हम हाथ में स्प्रिंग को पकड़कर इसको ऊपर नीचे ऐसे ऐसे रखते हैं, पहले हमने ऐसे ऐसे रखा थी, आप उल्ट है,
अब इसको स्प्रिंग को ऊपर नीचे ऐसे ऐसे हरकत देनी है, जब ऊपर नीचे हरकत देंगे तो इस तरह की नेम पैदा होगी, स्प्रिंग का कुछ हिस्सा इस नॉर्मल पोजीशन से ऊपर हो जाएगा और कुछ हिस्सा इस नॉर्मल पोजीशन से नीचे होगा। इस स्प्रिंग के लिए खास तौर पर इस्तेमाल हुआ है जिसको स्लिंकी कहा गया, स्लिंकी भी स्प्रिंग को कहते हैं। और इस स्प्रिंग में इस तरह की नेम पैदा करने के लिए स्प्रिंग को हरकत देने का जो तरीका है वो इस तरह ऊपर नीचे इसको हरकत देनी है जिससे इस तरह की नेम पैदा होगी। ये जो नॉर्मल पोजीशन है सेंटर को मीन पोजीशन भी कहते हैं, इसके जो ऊपर वाला हिस्सा है ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा और ये वाला, इनको कहते हैं हम क्रेस्ट, ऊपर क्रेस्ट, जबकि नीचे ये वाला हिस्सा इनको क्या कहते हैं ट्रफ, जो नॉर्मल पोजीशन से नीचे होते हैं। इस वे में भी एक क्रेस्ट पैदा हुआ है, ट्रफ पैदा हुआ है, क्रेस्ट पैदा हुआ है, ट्रफ पैदा हुआ है। अगर हम कहें कि इसमें जो मीडियम के पार्टिकल है वेव हमारी इधर को मूव कर रही है, जबकि मीडियम के पार्टिकल ऊपर नीचे मूव करते हैं, इनकी डायरेक्शन जो है इसके परपेंडिकुलर होगी। पिछली डेफिनेशन में जो वेव और पार्टिकल की डायरेक्शन एक साथ थी, इसमें उसके उलट है, वेव इधर को जा रही है जबकि पार्टिकल ऊपर नीचे हरकत करते हैं, ऐसी वेव कहलाती है ट्रांसवर्स वेव। अगर हम इसमें वेव लेंथ की डेफिनेशन देखें तो एक क्रेस्ट ये है दूसरा क्रेस्ट ये है, इनके दरमियान जो फासला है उसको क्या कहते हैं वेव लेंथ कहते हैं। वेवलेंथ को लैम्डा से डिनोट करते हैं और ये उल्टा भाई जिस तरह लिखते हैं इस तरह वेवलेंथ का जिस साइन है ये इस तरह डिनोट किया जाता है। इस तरह दो ट्रफ के दरमियान फासला या दो क्रेस्ट, एक ये वाला क्रेस्ट और एक ये वाला, इनके दरमियान जो फासला है उसको क्या कहेंगे वेवलेंथ कहते हैं। इट इज द एंड ऑफ आवर